लेकर ही जो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो दिल्ली में भी चुनाव लड़ रही है, और दिल्ली प्रदेश की जनता से आपके माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज देश की जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो अपने आप में अपनी विश्वसनीयताएं खोती जा रही है, और ऐसी स्थिति में यदि अम्बेडकर लोग और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के यदि सांसद आप चुनकर यदि भेजते हैं तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस देश में लॉ मेकिंग कैसे होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग कैसे होना चाहिए, और सही अर्थों में यानी कि एक तरह से सरकार के ऊपर लगाम कैसे लगाई जा सकती है। यदि हम विपक्ष में रहते हैं तो भी ऐसी स्थिति में किस प्रकार से सरकार के ऊपर कंट्रोल है वो किया जा सकता है, इन सब बातों को अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के दिशा निर्देशन में और उसके माध्यम से हैं बेहतर तरीके से जानती है, और उनके दिशा निर्देशानुसार ही हम जो है ये काम है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बात थोड़ा सा वो और कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले थे लेकिन कल रात को उनकी जो फ्लाइट है वो मिस होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। मैं इस पार्टी का दिल्ली का प्रदेश प्रभारी भी हूँ, साथ ही साथ मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, तो मेरी पूरी टीम के साथ में हम जो है ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम आयोजित कर रहे हैं, और इसी संदर्भ में यदि आपके कोई सवाल जवाब हो तो आप अपने सवाल जवाब है वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो कैंडिडेट साथी हैं इनसे भी आप कोई भी यानी कि एक तरह से अपनी जो बात पूछना चाहें वो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर आप किस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में? ना हम इंडिया गठबंधन में है और ना ही हम एनडीए गठबंधन में है, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और हमें जो है किसी भी गठबंधन ने कोई अप्रोच नहीं किया। विधानसभा चुनाव में राजस्थान में इंडिया गठबंधन ने अप्रोच जरूर किया था लेकिन उन्होंने यानी कि एक तरह से जो है हमें भुलैया में रखा, बाकी हमें यानी कि एक तरह से उसमें शामिल नहीं किया। बाकी एनडीए गठबंधन में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर लोग बहुजन समाज के लोग खास तौर से कैसे विश्वास करें आपके ऊपर, क्योंकि इससे पहले बहुजन समाज ने आरपीआई और बसपा से जो सांसद भेजे हैं चुन करके वो कितनी आवाज बहुजन समाज की पार्लियामेंट में उठाते हैं, कैसे विश्वास करें आपके ऊपर? देखिए अब तक हमेशा जितने भी लीडर पैदा हुए या जो भी है उनको सपोर्ट करता रहा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो सांसद या जो चुनके जाता है उसकी भूमिका अच्छी नजर नहीं है समाज के लिए, कैसे विश्वास किया? जी आपकी जो बात है बिल्कुल सही है, मैं इस बात को एग्री भी करता हूँ कि समाज ने, जनता ने ऐसे लोगों को संसद में, विधानसभाओं में चुनकर भेजा है, लेकिन अब यदि उनकी विश्वसनीयता, वो जनता की विश्वसनीयता पर खरे नहीं उतरे हैं तो हम कितना खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, एक बार हमें अवसर दिया जाए और यदि हम खरे उतरते हैं तो अगली बार हमें आजमाया जाए, अन्यथा पब्लिक के पास में, जनता के पास में ऑप्शन रहता है, हर 5 साल बाद में चुनाव होता है, और ये इस बात का साक्षी है कि जिन्होंने भारत की और विशेष रूप से बहुजन समाज की जनता की उम्मीदों अपेक्षाओं के ऊपर जब वो लोग खरे नहीं उतरे तो आज उनकी स्थिति क्या है वो खुद यानी कि एक तरह से आत्ममंथन कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। सर आप बहुजन समाज के लिए हक अधिकार के लड़ने के लिए जमीन पर तो आप दिखते नहीं, केवल चुनाव लड़ने के लिए आप लोग आ गए? नहीं, आप ये बहुत, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता नहीं है कि हम चुनाव लड़ने के लिए केवल आ गए हैं और जमीनी स्तर पर हम नहीं दिखते हैं। हम तो चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली में पहली बार आए हैं, बल्कि उससे पहले हमने 10 बिल जो है संसद में इलेक्टोरल रिफॉर्म पर बनाकर दिए हैं, और इलेक्टोरल रिफॉर्म पर जो हमने संसद को जो बिल बनाकर दिए थे उसी में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका जो मैटर है वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के द्वारा उठाया गया था और इसको गलत है उन्होंने बताया था, और इसी के ऊपर आगे एडीआर ने जो है वो एक्शन लिया और बेहतर तरीके से पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है उन्होंने इल्लीगल है वो घोषित करवाया। लेकिन इस फैसले को भी यानी कि एक तरह से हम पूर्ण नहीं मानते हैं, ये आधा फैसला है, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने जो इल्लीगल घोषित करवाया है, हम तो उससे भी आगे बढ़कर हमने बात की थी कि वर्तमान में जो ये जो जो अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनको जो कारपोरेट घरानों के द्वारा और अलग अलग कंपनियों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा जो उनको डोनेशन दिया जाता है, जो चंदा दिया जाता है,
इससे एक तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जिन राजनीतिक पार्टियों को जो कंपनी या कारपोरेट फंडिंग मिलेगी वो अपने यानी कि एक तरह से अनुचित और उचित जो काम है उनसे करवाने का प्रयास करते हैं, और इसी के परिणति के रूप में ये जो देश के संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, उनका भी यानी कि एक तरह से जो है वो नुकसान होता है। तो हमने ये बात रखी थी कि एक नेशनल इलेक्टोरल फंड है वो बनना चाहिए, जिस कंपनी को, जिस कारपोरेट घराने को, जिस व्यक्ति को टैक्स में छूट लेनी हो तो डायरेक्टली उनको नेशनल इलेक्टोरल फंड में जो है उनको डोनेशन करना चाहिए, और उसके जो जितना फंड इकट्ठा होता है उस फंड को राजनीतिक पार्टियों को उनके वोट परसेंटेज के आधार पर उनको डिवाइड कर देना चाहिए। तो इससे एक तो यह होगा कि किस व्यक्ति के द्वारा कितना फंड दिया गया वो तो डेटा सामने आ जाएगा, लेकिन जिन राजनीतिक पार्टियों को ये फंड जाएगा वो उनके परफॉर्मेंस के अनुसार जाएगा। जिस पार्टी को 1% वोट मिलता है तो यदि 100 रुपये का डोनेशन आया तो कम से कम 1 रुपया उसको भी मिलेगा। तो नेशनल इलेक्टोरल फंड भी आना चाहिए, ये भी हमारी मांग है, और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहते हैं कि इस मामले में यदि वो स्वतः संज्ञान लेकर और इस प्रक्रिया को यदि आगे बढ़ाते हैं तो देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। सर, ये जो संविधान पे खतरा मर रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? 400 पार का नारा दिया जाए कि हम आएंगे 400 पार, अगर आती सीट तो हम संविधान को बदल देंगे। देखिए, पहले तो आपने ये कहा है कि भारत का संविधान है वो खतरे में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया है वो संविधान इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मजबूत है कि संविधान को बनने के बाद में विश्व के दूसरे अन्य देशों ने इस संविधान को कॉपी किया है, और बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं उन्होंने अपने अपने संविधानों में इस भारतीय संविधान की नकल करते हुए लागू किए हैं। संविधान में अमेंडमेंट की भी यानी कि एक तरह से एक पूरी की पूरी प्रोसीजर है, इसलिए कोई माई का लाल भारतीय संविधान को बदल नहीं सकता। मैं एक तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, पूरे वर्ल्ड में आज डेमोक्रेटिक कल्चर है, पूरे देश में आज डेमोक्रेटिक कल्चर है, और डेमोक्रेटिक कल्चर में जो कोई ये सोचता है कि यहाँ पर कोई राजा का, रानी का, राजतंत्र का वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो शायद वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। देश की जनता इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, और ये जो 400 पार का जो जिन लोगों ने नारा दिया है वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी स्थिति को जो है वो आप देखिए, और जब आप उनकी स्थिति को जब आप देखेंगे तो फील्ड में किस प्रकार से जनता है उनको जवाब दे रही है 400 पार के नाराकार संविधान बदलने का, वो स्वतः यानी कि एक तरह से ये इस बात से सिद्ध हो रहा है। दूसरी बात, वो जो भी 400 पार का नारा दे रहे हैं क्या वो पाकिस्तान में चुनाव लड़कर लेकर आएंगे, क्या बांग्लादेश में चुनाव लड़कर लेकर आएंगे, क्या नेपाल में जाएंगे, भूटान में जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो 400 पार के लिए? अभी एट प्रेजेंट राजस्थान में जैसे उनकी 25 की 25 सीटें हैं, जो यूपी सबसे बड़ा स्टेट है यहाँ पर भी करीब करीब यानी कि एक तरह से उन्होंने जो सीटें हैं वो हथियार रखी है, उसके बावजूद जो है वो 303 सीटें जो है उन्होंने जीती है, और वैसे देखा जाए 353 हम मान सकते हैं जो अलायंस के साथ में जो है वो NDA अलायंस के साथ में। तो एक तो कहीं ना कहीं पर वो जिन्होंने भी नारा दिया है आप जानते हैं कि कितने बड़े जुमलेबाज हैं, और इस बात को लेकर जो है आज जनता है वो उनके ऊपर यकीन भी नहीं करती है। केवल प्रधानमंत्री का या किसी व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक जुमलेबाज शब्द का आप इस्तेमाल करोगे तो स्वतः यानी कि इंगित हो जाता है कि कौन जुमलेबाज है। तो इसमें हम इस बात को नहीं मानते कि भारतीय संविधान को कोई खत्म कर सकता है। सर, इसका मतलब आप मोदी जी से सहमत है? मोदी ने कहा बाबा साहब भी आएंगे तो संविधान को नहीं बदल सकते। नहीं, मैं हम मोदी जी से सहमत हैं या नहीं है हम उस बात को नहीं करें। आपने जो सवाल किया कि भारतीय संविधान को खतरा है, मैं ये मानता हूँ कि भारतीय संविधान इतना स्ट्रॉन्ग है कि भारतीय संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। महेश जी, चुनाव में आरक्षण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपका क्या कहना है, आपकी पार्टी का क्या रहेगा आरक्षण को लेकर? देखिए, आरक्षण को लेकर हमारी पार्टी की तरफ से हमारा तो ये कह रहेगा कि आरक्षण जब तक हम सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबर नहीं हो जाते हैं तब तक तो आरक्षण होगा ही होगा, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। कहा जा रहा धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, धर्म के आधार पर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जो जाति
उत्पीड़न होता है वो धर्म के नाम पर थोड़ी होता है, वो तो जाति के नाम पर होता है ना। धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण हो देश में, इसके खिलाफ हम इसके खिलाफ धर्म के आधार पर नहीं। मैं थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ऐसा है, भारत के संविधान में बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था और पार्लियामेंट में जब डिबेट्स हुई थी उसमें बहुत सारी ऐसे इश्यू भी आए थे, उसमें माइनॉरिटीज़ को भी रिजर्व, जो अल्पसंख्यक है वो उसमें धर्म के आधार की बात नहीं, वो जो जो धार्मिक अल्पसंख्यक है यदि वो शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से यदि पिछड़े हुए हो तो रिजर्वेशन का प्रोविजन हो सकता था। लेकिन चूँकि आगे चलकर जब पार्लियामेंट में जब डिबेट हुई, डिबेट के आधार पर यह तय किया गया कि भाई एससी और एसटी को तो जो शेड्यूल बना हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में उनको उस अनुपात में रिजर्वेशन मिलेगा, और उसी के साथ में संविधान बनाते समय ये बात है वो डिसाइड हो गई थी, सेटल हो गई थी कि एक काका का एक जो है आयु का गठन किया जाएगा जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए, और उन वर्गों की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद में ये डिसाइड होगा कि उनको भी यानी कि एक तरह से रिजर्वेशन है वो शिक्षा में, नौकरी में और जो है व्यवसाय में, इनमें है वो मिलना चाहिए। तो ये बात है वो सेट हो गई। लेकिन समय बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा था संविधान में, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं था कि रिजर्वेशन है वो 50% तक ही रहना चाहिए। तो हम तो हमारा तो ये मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिस समाज की जितनी भागीदारी है उस अनुपात में उनको शिक्षा में, नौकरी में और राजनीति में या जो लोकल बॉडी में जो भी है उनको रिजर्वेशन होना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी है वो भी बराबर रूप में उनकी भी बढ़नी चाहिए, हम इस बात को पूरी तरह से स्वीकार है वो करते हैं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576851, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।